नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एग्जाम ग्रो टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों लूसेंट ऑब्जेक्टिव क्लास नंबर 4 आज हम करने जा रहे हैं, जिसमें आपको फिजिक्स वाला जो टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव बुक आती है, आपको पता है लूसेंट की एक थ्योरी आती है, एक ऑब्जेक्टिव आती है। लूसेंट को पढ़ने का बेहतर तरीका यही है कि आप पहले थ्योरी वाली बुक पढ़ो, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव वाली बुक से लगाते रहो, ठीक। खैर थ्योरी वाली बुक सबके पास होगी, ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो हमने बोला है कि रेलवे ग्रुप डी परीक्षा से पहले आपके लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक, लूसेंट की थ्योरी बुक, साथ में रुक्मणी पब्लिकेशन की बुक, एनसीईआरटीज और भी आपके एक दो बुक किताबें हैं, उनको मैं आपका खत्म करा दूंगा, ठीक है। तो उसी को लेकर हम 40 प्रश्न डेली कर रहे हैं, 3 वीडियो में हमने 40 प्रश्न किए। मॉर्निंग में 10 बजे आपको ये क्लास ऑफलाइन मिल जाती है, अपलोड कर दी जाती है वीडियो, जिसमें आपको 40 प्रश्न को देख के आपको नोट्स वन लाइनर बनाना होता है। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे, ठीक। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में आपको पीडीएफ मिलती है, कल की क्लास की पीडीएफ आज मिलेगी, आज के क्लास की पीडीएफ परसों मिलेगी, जो भी क्लासेस चलती है, ठीक। तो ज्वाइन कर लेना, दोनों जो टेलीग्राम ग्रुप है लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, ठीक। इसके अलावा हमारे पीडीएफ है जिनको आप लेके अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हो, जिसमें मैथ का गेस्ट पेपर है, जिनका भी मैथ वीक है वो इसको लेके जरूर लगाएं। इसके अलावा हमारा साइंस का पीडीएफ है, 25 क्वेश्चन साइंस के आने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। इसको भी आपको लेके पढ़ना है रेगुलर 45 डेज के शेड्यूल में। इसको भी मैंने ऐड कर दिया कि इसको भी आपको एक दो चैप्टर, एक एक दो दो चैप्टर करके डेली आपको पढ़ना है, ठीक। वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा स्टैटिक जीके का पीडीएफ है, इससे आपको डेली एक टॉपिक ही पढ़ना है, उसके बाद शाम को उसका टेस्ट देना है आपको यहीं यूट्यूब पर लाइव, ठीक। आज की बात करें, आज आपको डैम यहाँ से पढ़ के जाना है, बाध, ठीक है, इंडिया के प्रमुख बाद आज यहां से पढ़ के आओगे और शाम को 8 बजे इसका टेस्ट दोगे। चलिए शुरू करते हैं यहां पे। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड क्या होगी, ठीक है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड कल हमने क्वेश्चन में किया था, ये क्या होता है भैया? आप कहोगे सर ये 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड जो दिया है ना, ये आपका होता है क्या होता है? पलायन वेग, ठीक है, पलायन वेग। और पलायन वेग वह वैल्यू होती है जिस वेग, जिससे किसी वस्तु को अगर जो आप फेंक देते हो ना जिस वेग से, तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है ना, उसको पार करके बाहर निकल जाती है। अब जब वह पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार करके बाहर निकल जाएगी तो वो वापस पृथ्वी पे नहीं आएगी, वो अंतरिक्ष में ही घूमती रहेगी, चक्कर लगाती रहेगी इधर उधर, ठीक। तो क्या होगा, आप किसी वस्तु को, किसी पिंड को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंकेंगे तो पिंड पृथ्वी पर कभी वापस लौट के नहीं आएगी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है भैया? देखो, पत्थर को वस्तु हो या मनुष्य हो, अगर चांद है, मान लो ये चांद है, चांद को जमीन पे लाओगे नहीं, ठीक है, एक है आपका पृथ्वी, ठीक है, पत्थर हो, मैंने बोला पत्थर हो, कोई भी पत्थर का टुकड़ा हो, कोई भी इंसान हो, आप इसको चांद से पृथ्वी पर ले जाओ या पृथ्वी से चांद पे ले जाओ, इसमें फर्क कहां पड़ेगा? भार में पड़ेगा, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्क किस में नहीं पड़ेगा? द्रव्यमान में, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, भार में परिवर्तन होगा, ठीक। तो जब भी आप पत्थर को देखो क्या, क्यों भार में परिवर्तन होता है? क्योंकि पृथ्वी के अपेक्षा चांद पर जो गुरुत्वाकर्षण होता है 1/6 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो जब एक पत्थर को चांद की सतह से आप पृथ्वी पर लाओगे तो क्या होगा, इसका द्रव्यमान बदल जाएगा। भाई मैंने बोला ना कि द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। भाई यही तो आंसर होगा, इसी की तो हम तलाश कर रहे थे ना, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। भाई 3 क्या है? 3 है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? भैया अगर जो मैं बात करूं लिफ्ट की, तो ये आपका लिफ्ट होता है ना, इस प्रकार से लिफ्ट होता है, बक्सा ही तो होता है, ये दरवाजा बना दिया मैंने, ठीक। अब ये रस्सी लगी होती है लिफ्ट में, ठीक है, घिरनी घरनी लगी होती है, भैया लिफ्ट ऊपर जाता है, लिफ्ट नीचे आता है, लिफ्ट स्थिर रहता है, तीन ही चीजें तो होती हैं। तो अगर जो लिफ्ट क्या हो रहा है, लिफ्ट ऊपर जा रहा है, आप ये महसूस करना, आप जब भी किसी मॉल में जाओ या फिर किसी बड़े बिल्डिंग में जाओगे, लिफ्ट का यूज करोगे, तो आप खुद यूज करो, महसूस करना कि जब आप ऊपर जाओगे तो आपका भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा,
और जब आप नीचे आओगे तो आपका भार घटा हुआ प्रतीत होगा, ठीक। और जब एक समान गति त्वरित गति से लिफ्ट ऊपर नीचे गति करती है तो आपके भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या पूछ रहा क्वेश्चन, जब लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? भैया अधिक कब मालूम पड़ेगा? जब लिफ्ट ऊपर जा रही हो, जब लिफ्ट ऊपर जा रही हो तो उसकी उसका उसका क्या होगा, भार बढ़ा प्रतीत होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं भैया। 4 है, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गेंद क्या होगा? ठीक है, पृथ्वी के परितः घूमने वाली कृत्रिम भैया आटे ये बात करें अगर जो हम कहां गया भैया मेरा पेन, ये आपका अर्थ है, ये आपका अर्थ है, ये आपका पृथ्वी है। अब पृथ्वी के बाहर कोई सैटेलाइट अगर जो घूम रही है, ठीक है, कृत्रिम मान लो ये सैटेलाइट घूम रही है, तो ये सैटेलाइट पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र पार करके बाहर चला गया होगा ना। अब ये चक्कर लगा रही है भैया, चक्कर ही लगाएगी अंतरिक्ष में, यहां से कोई गेंद गिराओगे क्या पृथ्वी पर आ जाएगी? नहीं, गेंद भी आपका समान आवर्त के साथ घूमती रहेगी पृथ्वी के साथ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं, ठीक। 5 क्या है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति को का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। भाई अभी मैंने बताया कम कब होता है, जब त्वरण के साथ एक समान त्वरण क्या होगा यहाँ पे क्या होगा, नीचे आ रही हो, ठीक है, त्वरण के साथ एक समान त्वरण के साथ नीचे आ रही हो। ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। ये बी सी इधर उधर हो गया, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5-6 की बात कर लेते हैं। 6 क्या है, एक तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से कितनी होती है ऊंचाई, भाई इसका आंसर बताइए। चलो तो इसका आंसर होगा कितना होता भैया, तो इसका आंसर होगा आपका 36,000 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। 7 क्या है, टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है, क्योंकि पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो होता है वो कम हो जाता है, इसलिए क्या होता है भाई, पहाड़ी पर अधिक ऊंचाई पर तक उछलती है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं भाई। 8 क्या है, 8 है आपका, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए, भाई ऐसा हो ना, ऐसा होगा तो बहुत चीजें बदल जाएंगी, और तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम सही होगा, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण अगर जो पृथ्वी का क्या होगा शून्य हो जाए या लुप्त हो जाए तो क्या होगा, वस्तु का भार जो होगा, किसी भी वस्तु में कोई भार नहीं रहेगा, ठीक है, वस्तु का भार द्रव्यमान वही रहेगा, द्रव्यमान में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, आपका भी भार शून्य हो जाएगा, ठीक। चलिए भार जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण ही होता है, ठीक। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? भैया अभी मैंने बताया था 1/6 होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। किसी लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर होता है, किस पर डिपेंड करता है? तो लोलक के आवर्तकाल की बात करें, ये लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, क्यों लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं? क्योंकि लोलक की जो लंबाई होती है ना वो बढ़ जाती है, जिसके कारण इसमें दोलन में लगा हुआ समय भी बढ़ जाता है, इसलिए लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दे तो लोलक का आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो जब भी लंबाई 4% बढ़ाओगे तो उसका आवर्तकाल 2% क्या होगा, बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दे तो लोलक के झूलने का, देखो लोलक क्या होता भैया, ये धागा होता जो, ठीक है, ये इसकी लंबाई की बात हो रही है, यल होता, इसकी लंबाई को हम 4 गुना कर दें तो झूलने के समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी आपका 2 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो किसी भी पेंडुलम को अगर जो चंद्रमा पर ले जाओगे उसकी समयावधि बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि रीजन है कि वहां पे जी की वैल्यू कम होगी, तो भैया जाहिर सी बात है तो समयावधि बढ़ेगी, ऑप्शन नंबर बी डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। एक कण का द्रव्यमान यम संवेगती हो तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? भैया यहाँ पे तो आप तो पढ़े नहीं हो, लेकिन आप पढ़े हो संवेग का फॉर्मूला होता है पी बराबर एम वी होता है ना, हाँ होता है ना, और गति का समीकरण होता है के बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर होता है ना, इक्वेशन 1 मान सकते हो, मान लो इक्वेशन 2 मान सकते हो, मान लो, चलो लेकिन यहाँ पे वी दिया है ना, यहाँ पे वी की वैल्यू निकाल सकते हो, हाँ यहाँ पे वी की वैल्यू हो जाएगी पी बाई एम, ठीक, चलो ठीक है, यहाँ पे पुट अप कर देते हैं, तो के बराबर गतिज ऊर्जा ही निकालनी है तो काइनेटिक एनर्जी ही तो निकालेंगे, के बराबर 1/2 एम वी की जगह पे पी बाई एम लिख सकेंगे, लिख देंगे तो पी स्क्वायर बाई
एम स्क्वायर, एक एम से एम कट गया तो के बराबर क्या बचा भाई, एक बटे दो या पी स्क्वायर बाई एम। तो क्या आया भाई, ऑप्शन नंबर हो जाएगा पी स्क्वायर बाई टू एम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं, नहीं होनी चाहिए भाई, दिक्कत क्यों होगी, आए क्यों होगी, जब इतने अच्छे से समझ रहे हो, इतने अच्छे से पढ़ रहे हो, इतना मेहनत लगा के। हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो हुक का सिद्धांत जो संबंधित है ये आपका प्रत्यास्था से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, तेल की छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है, क्यों क्यों फैल जाती है, तो ये सरफेस टेंशन के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें हम 18, 18 क्या है भाई, 18 आपका साबुन द्वारा निर्मलन का सिद्धांत क्या है, तो साबुन द्वारा निर्मलन का सिद्धांत भी आपका पृष्ठ तनाव पर आधारित है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं, वर्षा की बूंद, इसका भी आया फेमस क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, नन्ना क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, सरफेस टेंशन, वर्षा की बूंद का जो गोल आकार होता है वो किसके कारण होता है, ये आपका सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव के कारण होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं, एक द्रव बूंद होती है गोली आकार धारण कर लेते हैं किसके कारण, भैया इसका भी आंसर पृष्ठ तनाव ही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, क्यों क्यों मच्छर कम हो जाते हैं भाई, क्यों मच्छर कम हो जाते हैं स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर, ठीक। देखो यहाँ पे जो लार्वा होते हैं मच्छर के, लार्वा होते हैं उन्हीं से तो मच्छर बनते हैं, वो क्या होते हैं, जब पानी में मिट्टी का तेल डालोगे तो पानी का पृष्ठ तनाव कम होगा, और जब ये कम होगा तो इसमें क्या होगा भाई, लार्वा डूबकर मर जाएंगे, या फिर कह सकते हो लार्वा को सांस में बाधा डालते हैं ये, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका रीजन क्या होगा, तो इसका भी रीजन वही होगा सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, ठीक, तो गेंद कहाँ गिरेगी भाई, तो गेंद उसके हाथ में गिरेगी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। ए भी इधर उधर गए थोड़ा देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लेते हैं, 24 क्या है, एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है, ठीक है, व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य विराम स्थिति में है, न्यूटन के किस नियम का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है, भैया वह न्यूटन का थर्ड नियम का उपयोग करेगा, यानी कि वो बर्फ को धक्का देगा तो बर्फ उसके तरफ भी धक्का देगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम का उपयोग करके वो तट तक ला सकता है, यानी कि तीसरा नियम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लेते हैं, 25 क्या भैया, 25 है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं, ठीक है, तो इसका भी रीजन हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लेते हैं, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है, ठीक है, तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये घट जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, साबुन के जल साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये घट जाता है, तभी तो झाग बनते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं, क्यों क्यों छत के निकट लगाए जाते हैं, देखो सांस से हम हवा छोड़ते हैं वो ऊपर ही जाती है ना, और ऊपर जाएगी तो संवातक द्वारा बाहर चली जाएगी, तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर लेते हैं, क्या है 29 आपका, कथन और कारण, अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल व गर्दे निकाल देते हैं, ठीक है, कारण क्या है, अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं, सर्फ की बात हो रही है ना, ठीक है, तो ए और आर यहाँ पे बात करें, ये वाला तो सही है, ठीक है, ये तो सही है, मैल का तेल वगैरह निकाले, लेकिन जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते नहीं, ये गलत है, ठीक है, ए सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन नंबर इसका ये वाला सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर लेते हैं, 30 क्या भैया, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्यों नहीं खड़े रह सकते भाई, क्योंकि गुरुत्व नहीं होता, गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, इसलिए वो सीधे अंतरिक्ष में खड़े नहीं रह सकते, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 31 की बात करें, किसी यदि किस नली का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाली जल की सतह की ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आधी रह जाएगी, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 32 की बात कर लेते हैं, श्यानता की इकाई क्या है, तो श्यानता की इकाई की बात करें, जब भी प्वाइज होती है, क्या होती है, प्वाइज होती है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केस नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई कितनी होती है, भैया केस नली में अगर जब द्रव में डूबे तो द्रव चढ़ता है ना ऊपर, तो चढ़ता है तो क्या रह जाएगी,
इसमें, ठीक है, इसमें कम व्यास वाली जो नली होगी उसमें द्रव अधिक चढ़ेगी, ठीक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर लेते हैं। 34 क्या है, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है, तो ये भी आपका हो जाएगा किसके कारण चलता है, किसकी घटना, किसी तत्व की घटना के कारण, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35 की बात कर लेते हैं, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है जबकि जहाज तैरता है, या किस, जहाज लोहे का होता है, जहाज तो तैरता है लेकिन जो लोहे की सुई होती है वो डूब जाती है, क्यों, ये क्योंकि ये आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार होता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर लेते हैं। 36 क्या है, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये प्लवन के नियम पर आधारित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है, यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, भाई 38 क्या है, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन थे, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक आपके आर्किमिडीज थे, ऑप्शन नंबर ए। और क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, द्रव में आंशिक या पूर्णतः किसी ठोस द्वारा, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा किस पर डिपेंड करती है, तो द्रव द्वारा, ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा के बराबर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का क्या कारण होता है, क्या कारण होता है भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। तो आई होप आपको ये 40 क्वेश्चन समझ में, आपने नोट्स बना लिया होगा 40 का 40, और आप रिवीजन भी कर लोगे शाम को। आज फिर आपकी क्लास चलेगी जिसमें हम रुकमणी का बायो करेंगे 7 बजे, और आपका फिर स्टैटिक जी के का हम टेस्ट लेंगे आपका 8 बजे, ठीक है। रीजनिंग की क्लास के लिए अभी देखिए कल या परसों से हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, कल या परसों से हम स्टार्ट कर देंगे, वो वीडियो अपलोड होगी, ठीक है, बन के पूरा लाइव नहीं चलेगी, ठीक। तो चलो अभी क्लास को ही ख़त्म करते हैं, और आप लोगों ने अगर जो सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लेना, PDF जो भी है हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से मिल जाएगी, और चलिए मिलते हैं स्टूडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।